देवघर जिले के रामोडी पंचायत के राशन कार्ड धारी ने पीडीएस दुकानदार गणेश दास के खिलाफ विरोध किया है। ग्रामीणों ने बताया कि गणेश दास पिछले 4 महीने से राशन गबन के मामले में निलंबित है। साथ ही कहा कि निलंबित दुकानदार गणेश दास सभी कार्डधारी का 3 महीने का राशन गबन कर लिए हैं, जो आज तक नहीं मिला। वही विभाग के द्वारा बिना कार्रवाई जांच किए ही दोबारा उनकी बहाली कर दी गई, जिसका कार्डधारियों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर विभाग गलत तरीके से बहाल करता है तो सभी ग्रामीण डीसी के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। गणेश दास हम निर्णय देव अपना चार ले गेल हमने दूसरा ठीक लेबे चार और अगर जो सरकार ओकरा फिर देतो तो नहीं हम निर्णय लेबे हम हमने विरोध करबे ओकर खिलाफ हमने कि इससे पहले जो हम डीलर था मेरा गणेश दास वो एक नंबर का मतलब घपलाबाजी आदमी है। हम लोग 4 महीना का राशन लेके गमन किया है, इससे पूरा जनता उससे दुखित है। उसके पास राशन लेने नहीं जाएंगे हम लोग। अगर उसका एमओ या कोई भी पदाधिकारी बगैर जांच किए उसको डीलर वापस देता है या रिलीज करता, उसके पास जब भी चावल लेने जाते थे तो 2 महीने 3 महीने का गमन, उसके बाद वो 11 बजे आएगा, 2 घंटे चावल बांटेगा, उसके बाद कह देगा आज नहीं देंगे। 4 दिन 5 दिन घूमता है, बाल बच्चे सबको घुमाता है, उसके बाद भी वो बीच बीच में गमन करता है। यदि सरकार उसको फिर से डीलर पर नहीं वापस देता है तो इसके विरुद्ध में हम लोग उपायुक्त महोदय के पास धरना प्रदर्शन या लिखित भी बढ़ सकते हैं, यानी उसको डीलर पर नहीं दिया जाए।